महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच एक सीट अपनी ओर खासा ध्यान खींच रही है और वो है राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एक औरंगाबाद। और वो इसलिए क्योंकि चुनावी माहौल के बीच जानकारी सामने आई है कि यहां से AIMIM को मुसलमानों का भारी समर्थन मिल रहा है। राज्य में 288 सदस्यीय विधानसभा की जिन 16 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है उनमें से दो सीटें इस क्षेत्र से आती हैं, जिसे अब आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया गया है। इनमें औरंगाबाद पूर्व से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में है, जबकि औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी जोर आजमाइश कर रहे हैं। दरअसल यहां एक न्यूज एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की गई है। उन लोगों का रुझान ओबीसी की पार्टी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने बताया है कि वो महाराष्ट्र में विपक्षी MBA यानी महाविकास अगाड़ी को सत्ता में देखना चाहते हैं। औरंगाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM को समर्थन देना चाहते हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को इनका काफी समर्थन मिल रहा है। इसका कारण ये भी है कि ओवैसी की AIMIM पूरे राज्य में इस समुदाय की आवाज बनकर उभरने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी लगातार अपने भाषणों में ये भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा और वो महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले यहां से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मशहूर चैनल की मोहतरम एंकर साहब आई थी, उन्होंने कहा कि आप जहां लड़ते वोट काटते, मिला बिल्कुल सही बोले आप, बोले वो क्या मतलब, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। अरे आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए, मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो एक कांग्रेस के नेता बोले नहीं ओवैसी तुम्हारे भाषण से हरा हो जाता। मैं बोला नहीं मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिए, मेरे मौकिलों को भेजा जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये, कोई बात है ये? अरे हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं। हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने के सामने। ओवैसी के इन फैसलों की सराहना करते हुए कई मुसलमानों का कहना है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस जैसी पार्टियां भाजपा के हिंदुत्व के प्रति मुखर हैं, तब AIMIM को पसंद होने का कारण ये है कि उनके मुद्दों और शिकायतों को वो सामने रखता है। AIMIM समर्थकों का मानना है कि पार्टी अपने मुद्दों और शिकायतों को उठाने के लिए जानी जाती है और ये मुसलमानों को आकर्षित करती है। ओवैसी के भाई अकबर उद्दीन ओवैसी के एक हालिया रैली में दिए गए भाषणों को भी समर्थकों द्वारा बहुत सराहा गया था। बहरहाल राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है कि 23 को नतीजे आने हैं। ऐसे में देखना होगा औरंगाबाद की जनता AIMIM का समर्थन करती है या फिर किसी और का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.